दोस्तों, क्या आपको पता है कि आखिर 2016 में पाकिस्तान पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक में आखिर क्यों हमारे स्पेशल फोर्सेस ने आरपीजी को यूज न करते हुए कार्ल गुस्ताक रॉकेट लॉन्चर का यूज किया। अगर बात करें कार्ल गुस्ताक की, तो एक मॉडर्न रॉकेटलेस मल्टी टैंक रॉकेट वेपन है, जिसे इंडियन आर्मी अप्रोक्सली 50 ईयर से भी ज्यादा समय से यूज कर रही है। अगर कार्ल गुस्ताक को आरपीजी के साथ कंपेयर किया जाए, तो कार्ल गुस्ताक आरपीजी के मुताबिक काफी ज्यादा एडवांस है, जिससे कार्ल गुस्ताक में नाइट साइट लगाकर रात में भी दुश्मनों के ऊपर हमला किया जा सकता है। वहीं आरपीजी को सिर्फ दिन में ही यूज किया जा सकता है। साथ ही बात करें कार्ल गुस्ताक की, 500 मीटर से 2000 मीटर की दूरी तक अपने टारगेट के ऊपर हमला करने में सक्षम है। वहीं अगर बात करें आरपीजी की मैक्सिमम फायरिंग स्पीड की, तो ये सिर्फ 330 मीटर की है। और वहीं अगर कार्ल गुस्ताक की एक्यूरेसी की बात की जाए, तो आरपीजी की कंपैरिजन में काफी ज्यादा एक्यूरेटेबल है। साथ में ये एक रॉकेटलेस रॉकेट लॉन्चर है, जिससे इसका निशाना और भी ज्यादा सटीक है।